देखिए, आईजीआई से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक मेट्रो प्लान की गई है। हाई स्पीड मेट्रो होगी जिसकी रफ्तार 120 किलोमीटर होगी और जो जेवर से लेकर नई दिल्ली जाएगी और नई दिल्ली से जो है वो एयरपोर्ट एक्सप्रेस के माध्यम से आईजीआई पहुंच सकेंगे यात्री। और इसमें कुल 13 स्टेशन बनेंगे। 6 स्टेशन तो बनेंगे नई दिल्ली से लेकर के यमुना बैंक तक, और यमुना बैंक से लेकर के फिर इधर 7 स्टेशन बनेंगे। यमुना बैंक तक ये एलिवेटेड जाएगी और यमुना बैंक से लेकर नई दिल्ली तक ये अंडरग्राउंड जाएगी। और इस एयरपोर्ट मेट्रो के बनने के साथ आईजीआई और नई दिल्ली दोनों से जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा बल्लभगढ़ से एक नई एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है जो कि जेवर आ रही है, और बल्लभगढ़ से आईजीआई को जोड़ने का भी एक रोड बनाई जा रही है। तो रोड कनेक्टिविटी और मेट्रो कनेक्टिविटी दोनों पैरेलल की जा रही है। इसके अलावा आप अवगत ही हैं कि जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है वो सरायकाले खां से जो जेवर आ रही है और वह 21 या 22 मिनट में पहुंच रही है, उसकी कनेक्टिविटी भी है। तो हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड मेट्रो और एक्सप्रेस वे, ये तीन अब तक हो चुका है। इसके अलावा रैपिड रेल भी जो है यहाँ से गुजरेगी, मथुरा जाएगी पैरेलल, तो उससे भी कनेक्टिविटी भविष्य में होगी। कितने किलोमीटर का एरिया होगा जो कवर किया जाएगा मेट्रो का हाई स्पीड ट्रेन के द्वारा? जी, ये 72 किलोमीटर टोटल एरिया है। और पहले जो है वो जेवर एयरपोर्ट से परी चौक, फिर परी चौक से बॉटनिकल गार्डन, फिर आप बॉटनिकल गार्डन होते हुए यमुना बैंक, और ये बिल्कुल अलग लाइन होगी। ये जो एग्जिस्टिंग लाइन उससे इसका कोई मतलब नहीं है, नई लाइन बनाई जाएगी क्योंकि बहुत हाई स्पीड इसकी 120 मेंटेन की जाएगी, तो इसलिए अलग लाइन रहेगी। और जिससे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेस वे के समानांतर भी ये कनेक्टिविटी हो जाएगी जो पहले नहीं है अभी। सर, अगर खर्चे की बात, कितने करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा? अगर आईजीआई एयरपोर्ट वाली बात की जाए और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बल्लभगढ़ वाली, दोनों का अलग खर्चा देखा जाए तो कितने करोड़ की लागत से बनाया? हाँ देखिए, मेट्रो के लिए अभी डीपीआर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं डीएमआरसी ने दी है, लेकिन जो अंदाज हम लोग कर रहे हैं 15,000 करोड़ लगेगा, क्योंकि इसमें यमुना बैंक से लेकर के नई दिल्ली तक ये अंडरग्राउंड जाएगी। अंडरग्राउंड रेल की मेट्रो की कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, आप अवगत ही हैं, लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है एलिवेटेड रोड के मुकाबले, तो इसलिए 15,000 करोड़ के लगभग इसमें पूरा व्यय होगा ऐसा अनुमान है। जी।